धन वाहिगुरु जी पासा बाणी श्री रविदास जियो की एक ओंकार सत गुर प्रसाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाद जाम ताकि के तक्यास माधो अविद्या हित कीना विवेक दीप मलीन रहा त्रिगत जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मां मुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म कै बस जाय काल फास अबद लगे काश ना चले उपाय रविदास दास उदास ताज ब्रह्म तपन ताप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान रविदास दास उदास ताज ब्रह्म तपन ताप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान परम सत्कार योग दीन दुनी दे मालक सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज दातार सतगुरु जी दे सजे हुए पावन दरबार विच दूरों नेड़ियों चल के आए हाजरियां पर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा कीती है उद्दम बल प्रेरणा बख्शिश कीती है जिस सदका सतगुरु जी दे पावन हजूर बैठ के बड़े प्यार बड़े सत्कार बड़ी एकाग्रता नाल आप सरबत संगत ने गुरु सवारियां पासों सतगुरु सचे पातशाह जी दी अमृतमई पावन बाणी दा कीर्तन श्रवण कीता है। आओ जिथे आप जी ने सतगुरु जी दी अमृतमई बाणी नाल कीर्तन राही सांझ पाई है कुछ समय लई गुरदेव जी दी पावन बाणी दी विचार नाल अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करन दा यतन करिए। गुरमत विचारां दी सांझ पाउण तों पहलां आओ सारे ही कलगीधर साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शिश की हुई फतेह बुलंद आवाज विच सांझी करन दा यतन करिए। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत रविदास जी का पावन शब्द राग आसा दे विचों दास ने आप सरबत संगत दे नाल हुणे ही सांझा कीता है। कुदरत ने मनुख दे अंदर सोचन शक्ति पाई है जिहड़ी इसनों बाकी पशुआं दे नालों वख करदी है। ऐसा नहीं कि पशु सोचदा नहीं है। तुसी पशु वाल डंडा चुक के तुर पाओ उसनों महसूस हो जांदा है कि मैनू खतरा है। वह भी खतरे तो बचण वास्ते यतन करदा है। उहदे अंदर भी मनुख वांग भुख उठदी है ते उह वी भुख नूं दूर करन वास्ते अपनी खुराक लभण दे विच दिन रात एक कर दिंदा है मेहनत करदा है मशक्कत करदा है।
उसनों भी अपने टिकाने की लोड़ महसूस होंगी है। कदे पंछी वल वेखना उसने कख कट्ठे कर करके किन्नी तकनीक नाल अपना घर अपना आलना बनाया होंदा है, अपने रहन वास्ते टिकाणा वह भी कायम कर लैंदा है। उस दे अंदर भी खुशी उठती है जदों उस दीयां लोड़ां पूरियां होंदियां ने, वह भी आनंद महसूस करता है। खुले आसमान विच उड़ारियां मारदा है, नचदा है, मौसम के हिसाब के नाल मोर पहलां पाउंदे ने। कहण तो भाव महसूस करन दी ताकत कुदरत ने उन्हां विच भी पाई है। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी आखदी है, कहण लगे मनुख दे अंदर सब तो जबरदस्त कीमती जो ताकत वाहिगुरु ने इस नूं बख्शी है वह मनुख अपनी सोच का विकास कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। हजारा साल पहला जिहो जिहा पशु जीवन जी रहा सी अज भी उहो जिहा जी रहा है। अज भी वह भुख तक नींद तक खाण तक खुशी मनाउण तक केवल कुछ के फीलिंग ने महसूस करन दीयां भावनावां ने उस अंदर जिन्ने क नाल उहदा जीवन चलता रहे, अपने शरीर नूं प्यार करन तक अज भी उत्थे ही खड़ा है जिथे हजारां साल पहला खड़ा। ऐसा नहीं कि हजारां साल पहला उहनूं भुख नहीं सी लगदी अज लगन लगी है, उहनूं नींद नहीं सी आउंदी अज आउण लगी है। अज तो कुछ समा पहला उहदे अंदर तलाश नहीं सी भोजन वास्ते, अज उहने तलाश करनी शुरू कीती। नहीं, वह पहला भी एवें जी रहा सी अज भी एवें जी रहा। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने जिथे मनुख की चंचलता भटकती बेती की गल की है ना, उत्ते पशुआं नाल इहनूं तस्वीर भी दित्ती है ते कुछ गुण भी पशुआं नाल कोलों सीखण की प्रेरणा मनुख नूं बाणी दे विच कही गई। जिवें आप गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन बचन पढ़ते हो, दातार जी कहिंदे हन गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीना। कह लगे गोबिंद दे परमेश्वर दे गुण गाए नहीं ते अपना जिहड़ा जीवन इहनूं अकारथा कर लिया व्यर्थ गवा लिया। ते सतगुरु जी नूं पुछिया महाराज किवें गावां गोबिंद दे गुण, कोई तरीका दसो, कोई ढंग बयान करो। महाराज आप दसो भी किस ढंग नाल मैं गोबिंद दे गुण गा सकदा। ते सतगुरु फिर उत्तर भी दिंदे हन, सवाल भी करदे ने भी तूं गाए नहीं तां ही तेरा जीवन अकारथ है। ते फिर मलाल ना रह जाए, मन च शंका ना रह जाए इस गल दा भी गुरु साहब ने यह तो दस्या नहीं भी गुण किवें गाउणे ने, बस कह दिता है भी गुण नहीं गाए इस करके जीवन व्यर्थ है। तरीका की दस्या, कहण लगे कहो नानक हर भज मना, हे मेरे मन वाहिगुरु नूं याद कर, परमेश्वर नूं चेते कर, भज याद कर, चिंतन कर। उहदा चिंतन दा मतलब हुंदा जिहड़ी गल चेते विच होवे। मैं पहला एक दिन गल आप जी नाल सांझी कीती सी, साडा प्यारा परिवार का कोई मैंबर दूर बैठा है कि उहनूं याद करन वास्ते सानू जमीन विच कोई टोआ पुट के बहना पैंदा, नहीं ना बहना पैंदा कि उसनूं याद करन वास्ते सानू कोई खास तरीका वरतना पैंदा। नहीं, असीं घर दे किरतकार करदे हां, आपस विच जदों गलबात वी करदे हां उहदा जिक्र कर दिंदे हां, उहदा जिक्र कर दिंदे हां। मां बार बार जिक्र करती है मेरा लायक पुत्र, मेरी लायक धी, वह इवें करते ने इवें खां, क्योंकि उहदियां आदतां दा मां नूं बाप नूं परिवार नूं नेड़े दे रिश्तेदारां नूं सजणा मित्रां नूं पता हुंदा है। इस करके उहनूं याद करन वास्ते सानूं कोई उठे नहीं लड़कना पैंदा, कोई तप नहीं करना पैंदा, उह सानूं बार बार, क्योंकि जिन्नी नेड़ता होएगी याद उन्ना आएगा। ख्याल कर, याद आउणा भी इस गल ते डिपेंड करता है भी तुहाडी नेड़ता कि नहीं। जिहड़ा तुहाडे सब तों ज़्यादा नेड़े हुंदा है ना उहनूं तुसीं बार बार याद करदे आ, चेते करदे आ, उहदे नाल सलाह भी उहदे नाल ही करदे आ। मन विच कोई रंजिश होवे उहदे नाल असीं सांझी कर लैंदे आ, दुखी होइए अपना दुख उहदे नाल सांझा कर लैंदे आ, खुश खुश होइए असीं चाहुंदे आ उह साडा प्यारा साडे कोल होवे, असीं अपनी खुशी भी उहदे नाल सांझी कर लैंदे आ। ते जे साडे मन अंदर कोई भी भावना उठती है, खुशी दी उठे, गमी दी उठे, जिहो जिहा भी संकट समा साडे ते आए, असीं अपने मित्र नाल सांझा करन दी कोशिश करदे, क्योंकि जिहदे नाल नेड़ता है साडा सारा कुछ उहदे नाल सांझा हो जांदा। फिर इत्थों तक ख्याल करना, कुछ लोगों नूं तुसीं बड़ा समझाओगे दलील नाल उह नहीं समझणगे, तुसीं बड़ा तर्क वितर्क दिओगे उह नहीं समझणगे, तुसीं उहनां नूं बड़े ग्रंथां दे हवाले पेश करोगे उह नहीं समझणगे। प्यारे ने मित्र ने आख्या भी तू आ काम छड़ दे, छड़ दिता। ग्रंथां दे हवालियां नाल बंदा मन्निया नहीं,
ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਿਆਰ ਜੋ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਆਖੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਲੱਖ ਆਖਣ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਨੇ ਹੋਵੇ, ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉਹ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦ ਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਦ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁਹੱਪਣ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਵਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੀਤ ਬਣਿਆ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਐਸੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਰੂਪ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੂਪ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ, ਰੂਪ ਦੀ ਤੇ ਕਾਮ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਗੀਤ ਅਲਾਪਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਮ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਆਉਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਓ, ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਓ, ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਗਿਆਂ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰ ਕੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਨਾਂ ਤਿੱਖਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕੀ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਘੜੀ ਤੁਲੈਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੁੰ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜੋੜ, ਲੋਕ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਕੱਢਦਾ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖੂਹ ਪੁੱਟਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੂਹ ਪੁੱਟਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆਖੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖੇਗਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ, ਕੂੜਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਏ, ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟੀਕ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਟੀਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਥੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਰਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਖੂਹ ਪੁੱਟਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਆਖਦੀ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਸਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇ, ਸਵਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਇਆ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਖੂਹ ਪੁੱਟਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਮਧਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਰਿੜਕਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿੜਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁਜਕਾ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਜੋ ਮੱਖਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਣੀ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜੀ ਤਕਨੀਕ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਰਿੜਕਦੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੁੱਲ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਝਾਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਦਹੀਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਰਿੜਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਿਆਣੀ ਸਵਾਣੀ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੱਖਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੱਤਾ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਣੀ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਦਹੀਂ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਵੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ, ਬਸ ਰਿੜਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਡਿਤ ਦਹੀਂ ਬਿਲੋਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੱਥ ਜਲ ਮਤੀਏ, ਜਲ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ ਇਹ ਜੱਗ ਇਹ ਵੱਧ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ,
पानी रिड़कदा है, पानी। ते रब दा प्यार वाला की रिड़कदा है? कहन लगे वो दही रिड़कदा है, क्योंकि उन्हें तत् प्राप्त करना है, वो तत् नूं जी हंडाउणा चाहुंदा है अपनी जिंदगी दे अंदर, अपनी लाइफ दे विच। पर जिस नूं सोझी ना होई, हुण इह फर्क है जिहड़ा गुरु की संगत विचों आके सानूं समझ आउंदा है। पर जे असीं इह खोजां करी भी जाइए तां उस खोज दा साडे जीवन च कोई महत्व ना होवे, तां दुनिया ते ही कहेगी ना गुरु दा सिख है। इह सिख लोग इह कहणगे इहदा धर्म बड़ा कीमती है, इहदी खोज बड़ी कीमती है। पर अफसोस की बात है, आप तां इह धिआया मरदा है, अफसोस की बात है। इहदा विरसा तां बड़ा वड्डा है, विरसा ते बड़ा अमीर है, घाट कोई नहीं इहदे विरासत विच, इहदे धर्म दे अंदर, इहदे गुरु दी गल विच कोई घाट नहीं। गैरां ने लाभ उठाए, पर लोग आखणगे इह कुचज्जा है, इह आप भुखा मरदा, दुनिया नूं कोठे ते चढ़ के कहिंदा है मेरे घर 36 प्रकार दे पकवान हन, तुहानूं पता है। हे भुखे मरन वाले लोगों, मेरे घर दे विच बड़ी कीमती दौलत है, ते मंगदा लोगों कोलों क्यों? कारण की है? कारण यह भी जो है मनुख दे कोल उहनूं जीना नहीं, उहनूं हंडाउंदा नहीं, उहनूं अपने जीवन अंदर लैके नहीं आउंदा, उहदा अहसास नहीं करदा। गल तां केवल इन्नी है, पिता ते पुत्तर दा रिश्ता भी टुट जांदा जदों दोवां दे अहसास मर जांदे ने। ख्याल करो, जदों पुत्तर महसूस ही ना करे भी सामने खड़ा मेरा पिता है, उह भी ओए कह के गल करदा, नाले हथ करदा, नाले ओए कह के गल करदा। सामने खड़ी धी दे अंदरों जदों अहसास मर जाए, फीलिंग मर जाए, मैं धी हाँ, वह माँ नाल किस लहजे च गल करती है सानूं दसण दी लोड़ नहीं, साडे घरां च वापरदा है। जदों अहसास खुरदा है रिश्ता भी खुर जांदा, ते जदों अहसास खुर जांदा है ना गुरु के प्यार वाले, उदों धर्म नाल सांझ नहीं रह जांदी। हाँ, दुनिया आखदी है भी ये मावां धीआं ने, गुआंढी समझदे ने ये प्यो पुत्तर ने, पर उहनां दा रिश्ता ते कदों दा खुर गया? अहसास खुर गया, मुहब्बत खुर गई, सांझ भी नाल ही खुर गई, खत्म हो गई। हुण उहनां दे दरमियान केवल दुनियावी तौर पर संबंध है भी प्यो पुत्र ने, यह मां धी ने, पर उहनां दे अंदर कोई ऐसी सांझ तां मावां धीआं वाली है ही नहीं, क्योंकि वह जो जिहड़ी चीज़ का करके उहनां दा संबंध सी उह तां खत्म है, डैमेज है। ऐसा ही धर्म की दुनिया विच भी हुंदा है। दुनिया आखदी है बड़ा धर्मी होएगा, दुनिया आखदी ना बड़ा संबंध है धर्म नाल, दुनिया आखदी है धर्म ग्रंथ नाल भी इहदा बड़ा नेड़े का रिश्ता है। इहनूं कई बार पढ़दे आ सुणे आ, इहनूं कई बार गाउंदिआं सुणिआ, इहनूं कई बार व्याख्या करदिआं सुणिआ, इहनूं कई बार सुणदिआं होइआ श्रोते दे रूप विच बैठा वेख्या। पर इह हुण अगली गल है, इह तां सब खोजां ने, इह तां कुछ पाउण वास्ते बैठे आ, भावें कोई सुणदा कोई सुणाउंदा, संगती सिस्टम है ना। पर सारिआं दा इक्को मकसद, भावें कोई गाउण वाला है, भावें सुण वाला है, भावें सुणाउण वाला है, सभनां दा इक्को ही मकसद है कि असीं इहतों कुछ खोजना है, कुछ पाउणा है गुरू दी संगत विचों। ते ऐसा ना होवे जो असी खोज लिया वो इत्थे ही रह जाए, उन्हूं नाल भी लैके जाए। बस धर्म ग्रंथ नूं पढ़न विच इत्थे मनुख कोलों वड्डी कुताही हुंदी है, गलती हुंदी है, भावें वह घर विच पढ़े, भावें धर्म स्थान ते पढ़े, भावें वह संगत बाणी दी घर विच करदा है, चाहे वह गुरद्वारे करदा है, धर्म स्थान ते करदा है, जदों वह धर्म नूं उत्थे ही रख के चला जांदा है, अपनी खोज नूं उत्थे ही छड्ड के तुर जांदा है, उस वेले दुनिया की नज़र विच तां उह धर्मी हुंदा है, पर निज दे विच जीवन दे विच धर्म का कोई प्रभाव नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें जो पाया सी उत्थे छड्डा है, जो खोजिया सी उन्हें उत्थे त्याग दिता है। सतगुरु ने वेखो उदाहरण दित्तियां ने, पशु की उदाहरण दे के सानू समझा रहे, कितने सतगुरु कह रहे हैं स्वामी को ग्रह ज्यो सदा। हुण कुत्ते की उदाहरण है, हुण कुत्ते की पाया मनुख वर्गी तो नहीं ना, पर उहदे च इक गुण वे ऐसा नहीं, उहदे अंदर दे लोग नूं वेख के ना किते इह वी बाणी दे विच महाराज ने आख्या, ज्यों कुकर हरकाया धावै दह दिश जाए लोभी जंत ना जाणे। जदों मनुख अंदर वेख्या ना भी इह वी लोभ दी लोभ हुंदा है इहदे अंदर, ते किसे नूं भी मित्र बणाउंदा, ते जदों लोभ पूरा हो जांदा है हां फिर लैंदा इहदे लोभ करके दा परिवार नाल संबंध ना बन सके, इहदे लोभ करके इहदा सोसाइटी विच चंगा किसे नाल संबंध नहीं, भी किसे दे दुख ते सुख विच शरीक हो, बस अपने लोभ वास्ते जांदा है, अपने लोभ वास्ते। ते ऐसा ही संबंध इहदा धर्म नाल, ते लोभ दे संबंध दी गल करदे आ ना गुरु ग्रंथ साहिब ने आखिया बाणी दे अंदर, कहण लगे मन मुखां केरी दोस्ती। एक गुरमुख दी दोस्ती है, गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सिउ लाए चित, इह गुरमुख दी दोस्ती है। पर मनमुख की दोस्ती की है? माया का संबंध, वह संबंध कि अपनी गर्ज नाल,
अपनी लोड़ नाल। ते गुरदेव जी आखते वेखदिया ही भज जान कदे ना पाएन बंद। कहन लगे जिचर पहनन खावने, जिन्ना चिर उहदे खाण दी उहदे पहनन दी उहदे हवस दी उहदे लोभ दी पूर्ति हुंदी है, लोड़ां पूरियां हुंदियां ने। तिचर रखन गंढ, उन्ना चिर बड़ा जोड़ रखणगे, तुसीं तोड़ना भी चाहो उह जोड़ लैणगे, उहनां नूं तरीका हुंदा है। पर कहन लगे जित दिन जिस वेले जिस घड़ी जिस पल किशु ना हो वही तुहाडे कोल कुछ ना हो वे, तित दिन बोलन गंध, जिहड़े पहलां बहानिया नाल जोड़दे सन अज बहानिया नाल तोड़नगे, उह बहाना पालणगे कि हुण टुट जाए की फायदा। ऐसे आदमी नाल ऐसे मनुख नाल सांझ रख के सानू की लाभ है? वह फिर पहलां जोड़न दे बहाने पालदे हुंदे, फिर तोड़न दे बहाने पाल लैंदे, उहनां नूं बहाना चाहीदा। यह मनमुख की दोस्ती आखी है गुरु ग्रंथ साहब ने। हुण दातार जी पशु की उदाहरण दे के, पंछियों की उदाहरण दे के, बाकी जूनां दी उदाहरण दे के सानू समझाओ। देखो कि प्यारी बात गुरु तेग बहादुर साहब ने कही है। दातार जी कहते स्वामी को ग्रे ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। सानू समझाया भरोसे की वफादारी की घाट सब तो वध मनुख दे विच है। कदे सोचना बंदे ने नवा कुत्ता पालिया है, नवा कुत्ता पालिया, उहदा किन्ना ध्यान रखता है, तो 8-10 दिन भी वह मालिक दे कोल रहे ना, उहनूं मालिक की इन्नी पछाण हो जाती है, इन्नी पछाण हो जाती है कि रात के हनेरे च मालिक घर घर वल नूं तुरिया आ रहा, उहदा चेहरा नहीं दिस रहा, पर उहदे कदमां तों उहदे कदमां की आवाज़ तों कुत्ते ने पछाण कर ली भी यह मेरा मालिक है, मेरा मालिक। उहने उहनूं वढ़िया नहीं, कटिया नहीं, उहदे ते उवें नहीं भौंकिया जिवें किसे दुश्मण ते भौंकीदा, उहनूं पछाण हो। दिन दे चानण दे विच कोई गैर घर वल नूं तुरिया आ रहा होवे तां कुत्ते दे भौंकण दा तरीका बदल जांदा, उह अपने मालिक नूं सुचेत करदा, अलर्ट करदा आपणे घर वल नूं कोई आ रहा है, आ रहा। इस करके लोग भावें सारा दिन कुत्ते नूं बन्न के रखण, रात दे हनेरे च कुत्ते दी संगली खोल दिंदे ने कि हुण असीं सौण लगे, हुण तेरी ड्यूटी है, इस घर वल कोई भी आए तू सानू आवाज दे के सुचेत कर देंगे, सुचेत कर देंगे, माफ करना। कदे तुसी अखबारां विच कदे मीडिया च इह तां पढ़िया होवेगा फलाने पुत्तर ने अपने पिता नूं इस करके कतल किया, इस करके मारिया, इस करके घरों कढ दिता, वजह भी लिखी होंदी अक्सर ना कई दी, नहीं भी सानू पता लगदी। फलाने बच्चिया ने अपने माता पिता नूं घरों कढ दिता है, जायदाद लै ली है, घरों कढ दिता है, कूड़ कित्थे रह रहे ने जी, बिरद आश्रम विच रह रहे जिथे बजुर्गों की सेवा संभाल होंदी है। कदे बिरद आश्रमां दा चक्कर मार के वेखना, ऐसा नहीं कि जिन्हें जेडे बे औलाद ने वह रहिंदे ने उत्थे, नहीं, उत्थे 90% वह बजुर्ग रहिंदे ने जिन्हां दी औलाद है, जिन्हां कोल प्रॉपर्टी भी है, पर गलती यह कर बैठे ने, भरोसा इन्ना कर लिया अपने बच्चों के उत्ते, सारा कुछ लेके देता, बच्चे तुसी संभालो, असी हुण इन्हां चक्करां च की लैणा, असी बड़ी दौड़ भज कीती है, बच्चों ने लग्या भी ये तां कम बड़ा सुधा है, आने बहाने घड़े, कदे कुछ किया कदे कुछ किया, इन्ना जीना मुहाल कर दिता, उन्हें सोचा यहोजे घर नालों तां बाहर रह लैणा चंगा, जिथे असी रात नूं सुकून नाल सौ नहीं सकते, साढ़े सामने रोटी भी रखी जाती है तो सानू इवें लगता है जिवें असी भिखारी, अपने ही घर में असी भिखारियों वाला जीवन जीते हाँ, इहदे नालों तां मंग के खा लैणी चंगी है, कम अज कम उत्थे ये मलाल ये मन अंदर उदासी मायूसी में नहीं होगी, उलांभा ते नहीं होगा कि मेरे अपने मेरे नाल विहार करते हैं, गैर करेगा तो जर लवेंगे, घर छड़ दिता, बिरद आश्रम विच चले गए। पर माफ करो सतगुरु के प्यार वाले, वो बे औलाद नहीं सन, वो धनहीन भी नहीं सन, सारा कुछ उन्होंने कोल सी, पर एक झटके च सारा कुछ किधर गई वफादारी मनुख के अंदर, धी वाली वफादारी, पुत्र वाली वफादारी, कई ऐसे होणगे उन्हां दे बच्चे ने, छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ते ने, स्कूल तो घर दे विच सुनेहा आउंदा है, पिछले 3 महीनों तो तुहाडे बच्चे की फीस स्कूल विच नहीं पहुंची। मैं मनुख की फितरत की गल कर रहा, सुभा की गल कर रहा, घरवाली ने अपने पति नूं पुछिया बच्चों की फीस कित्थे है, उन्हूं शक होया भी रोज़ जिहड़ी शराब पी के आउंदा जिहड़ा नशा करके आउंदा, वेख इन्हां दीआं वर्दियां वल वेख,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਵਰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵਰਦੀ ਪਾ ਰਹੇ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਤਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਪ 'ਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, 8 ਦਿਨ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ? ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ 'ਚ? ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ? ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੌਂਕ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕੜ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰ ਆਇਆ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜਾ ਬੰਦਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਥੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੇਈਂ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾ ਕਦੇ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ, ਦੁਬਧਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਗੋਰ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਰਤਾ ਭਾਰਤ, ਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਵੱਸ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਜ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਖੌਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਬੜ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਅਤੀ ਸੰਬੜ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੀਆ ਕੱਟ ਲਈ, ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਤੈਸ ਨੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 650 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ।
650 साल तुसी की समझदे आ जदों असी ब्यूटी पार्लर च बैठ के अपने भरवटे सोहने करवा रहे होंगे हाँ जदों अपने केस अगे कर देने तो हूँ झुका के तू बना दे जिवें दा बनाउणा है तुसी की समझदे आ केवल अपने केस गवा के आए नहीं गुरु प्यार गल कली केसा की नहीं गल तुहाडे उस 650 साल के विरसे की है 650 साल तुसी छाती ते हाथ मार के कह सकते हैं मैं भाई तारू सिंह जिहा जां भाई तारू सिंह की विरासत का मालिक भाई तारू सिंह की विरासत सिर झुका के केस कतल करवाउण दी नहीं भाई तारू सिंह की विरासत धौण अकड़ा के खोपर लवा लैण दी है यह फर्क है दोनों चीज़ों के अंदर फर्क केवल इत्थे सतगुरु के प्यार वाले असी कला शरीर का कोई अंग नहीं गवा के आए असी ये अपनी 650 साल की घालना कमाई अपने बुजुर्गों की आइडेंटिटी से प्रश्न चिन्ह लाए लोग आखण जो सिखा तेरे बुजुर्गों को कित गलती तो नहीं हुई जे वह भी केस कतल करवा मन लेंदे तो जान बच सकती तू तो खुशी च करा आया उन्हों की तो मजबूरी से कित उन्होंने गलती तो नहीं हुई गुरु के प्यारे तुहाडे कोल इस प्रश्न चिन्ह का जवाब है भी गलती उन्होंने कोलों हुई है कि मेरे को हुई है हंकारी बंदा मनेगा मेरे को गलती हुई नहीं चुप कर जाएगा पूछण वाले के मन का सवाल का हल नहीं होगा भी किदे को गलती हुई है कितने तेरे बजुर्ग गलत तो नहीं सन मारे मारे जंगलों च फिरते रहे बच्चों के टोटे करवाते रहे तू सोची जरा अपने दिमाग के उत्ते वजन पा के ये कोई उलांभा नहीं ये तेरे 650 साल के विरसे की कूक है जिहड़ा तू गुठे ला रखे है जिन्हों तू ढक ढक के रखना भी ये कितने बाहर ना निकल आए इस करके असी कल ये भी कहना ग्रेस करांगे दाड़े वाला बजुर्ग बाबा जिहड़ा पांच ककारी रहता धार नहीं होवे गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण वाला होवे वह बिरद बाबा जिहड़ा मेरा दादा लगता होगा कल मैं अपने मित्रां दोस्तां चों मैनूं पुछणगे कौन है मैं आखांगा ये मेरा नौकर है शर्म आएगी जिन्हों भाई तारू सिंह की विरासत तो शर्म आ सकती है वो अपना दादा कि महान है वो अपना दादा की चीज रख अर्थ रखता है कितने बापू साढ़े नाल तुरिया जाता होगा मित्र पुछणगे यूनिवर्सिटी में पुछणगे कॉलेज तेरे नाल कौन जाता से वो तो मेरा कोई गुआढ़ी से हम दादा गुआढ़ी हो जाए दादा घर का नौकर होगा वो रिश्तेदार बन जाएगा पर असं ये कहना भी झिझक जावे ये मेरा दादा है क्योंकि साढ़े तो सवाल उठ सकते हैं तेरा दादा योजा क्यों है कि वह बैकवर्ड है ओल्ड मैन होने करके दाड़ी है वोदिया मुछा ता नहीं कि वह पुराना है 80 साल पुराना तो तू नवा है इस करके तेरा इस स्टाइल है जिंदगी का फिर असी की आखांगे आखांगे हाँ ओल्ड मैन है 80 साल पुराना है क्योंकि वह बैकवर्ड है ना वो मॉडल जमाने का हानी नहीं बन सकिया इस करके उन्हें दाढ़ी रखी है इस करके उन्हें मुछा रखी ने इस करके वह केसा धारी इस करके दस्तार सजाऊंदा है इस करके वह बाणी पढ़ता है इस करके उसकी जबान के उत्ते बार 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 अपने पुरखियों का नाम आता है क्योंकि वह भुल नहीं पाया अपने बजुर्ग के डुले हुए खून में वह भुल नहीं पाया उस दृढ़ता जिसे किस्से उन्हें छोटे होंदे अपनी मां को सुने सन अज्ते मां डरती है अच्छ मां गुरदास मान का गाना तो सुना सकती है भाई गुरदास की कोई वार मां याद नहीं ना ही याद नहीं कि भाई गुरदास कौन ने माफ करना सत्कारियों भैनों माताओं अपने मन च झाती मार के वेखो किसी नूं भाई गुरदास का नाम याद कौन सी भाई गुरदास की सी उसका रोल साडे इतिहास में की सी उहदे पल्ले विद्वता की सी उहदे पल्ले ज्ञान की सी उहदे कोल जिस करके उहनूं सिख धर्म के अंदर इन्ना माण दिता गया है वह निर्भय योदा से जोड़ा कांशी च पैर रखता से पंडतों के पसीने आज जे पंडित सानू अगे लाई फिरते हैं ना ज्योतिष के नाँ के उत्ते वेद पढ़ा रहे हैं सानू अपनी मत दे रहे जिन्हों पंडितों असं हाथ विखाने ना उन्होंने पसीने छुट जाते सन जो भाई गुरदास कांशी च पैर पाँगा वो सोचते सन कि वह बंदा है यो बंद जिहड़ा गुरमत को सिद्ध करने वास्ते ऐसी परपक् दलील दिता है इन दृढ़ता नाल गल करता है यदा जवाब साढ़े को उन्होंने पंडितों जोड़े भाई गुरदास को भजते सन उन्होंने असी हथ विखाने तो मन झसते ने भाई गुरदास की होया की होया जे पुराने समय के तेरी बड़ी चढ़त सी आ जाके वे असी तेरी औलाद का की हाल किया हजा के वे तेरी उम्मत अज तेरिया वारा नहीं पढ़ती अज तेरे कविता नहीं पढ़ के खुश तैनू तेरा तो नाम ही भुल गए ने तेरे आने वाले अज साडे वल वेख असी तेरे बच्चों के भविख के मालक बन गए
देखा जाके तू आ जाके वेखे ते अज कांशी तो डर जाए कि मैं इस कांशी च पैर नहीं पाउणा क्योंकि इत्थे तां मेरे अपने ने हाथ विखा विखा अपना भविख जोतशियां ते पंडतां पांध्यां दे हाथ च कर दिता है। अज तां सिख अपना विआह भी करदा है, बच्चे बची का उन्हें आनंद कार्ज करना है, तो 100 जून च पैंदा है, लंबियां सोचां सोचदा है, दिन माड़ा ते नहीं, समा माड़ा ते नहीं, गुरु नूं कदे आके पुछ, गुरु आखदा नहीं दिन ते माड़ा नहीं, समा ते माड़ा नहीं, भलिया तेरी सोच माड़ी है, इहनूं थोड़ा सही कर लै। गुरु साडी बिरती नूं वेखदा है, गुरु आखदा नहीं दिन कोई नहीं माड़ा, समा कोई नहीं माड़ा। माफ करियो जिहड़े लोग कहिंदे समा चंगा नहीं, जे उस समय तनखाह दा चैक सानूं साडा बॉस फड़ाउंदा होवे कदे मोड़िया कि समा चंगा नहीं बॉस असीं इह नहीं लैणी, कदे मोड़िया फ्री दी चीज लभ जाए, कदे बंदे ने सुटी भी समा बड़ा माड़ा है तां ग्रह चंगे नहीं रहूगे, तू एक कतार च आ गए मैं नहीं चुक सकदा इह चीज, सानूं फायदा हुंदा होवे फिर समा माड़ा नहीं। पर कोई भरम पा दे भी तू जिहड़ा काम करना है नुकसान दे है, ते साडा मन वेखो किवें डरदा है, असी डराकड़ हो गए, गुरु की बाणी पढ़ के असी निरभय योधे होना, असी निरभउ जपै सगल भउ मिटै, इह ते सुखमनी साहब का पाठ करके भी गिणिया जाता है, पोतरा नहाउण लगता दर्दी आखदी ना वे पुत अज मंगलवार है नहाई ना, सुखमनी साहब पढ़न वाले का पसीना चुटी जाता है, मंगलवार जे बच्चा जन्म लै लैंदा ते दादी की तू घरों बाहर सुट आउंदी, मेरी मां जे तेरा ही जन्म मैं जन्म तरीक कढ़ा के वेखा जे तेरा जन्म शनिचरवार होया हुंदा ते हुण तैनू घरों बाहर ना कढ़दे आ कि तू शनिवार जम्मी है। सतगुरु दे प्यार वेखो बाणी पढ़ के उस ही बाणी च लिखिया है ना, निरभउ जपै सगल भउ मिटै प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै, असीं छुटे हाँ कि बचे होए आ इह वेखण दी लोड़ है, बचे तो असीं अजे भी होए, बाणी पढ़ लई मन अंदर ईरखा है, मन अंदर इन्नी ईरखा है, इन्नी जलन है, इन्ना साडे सुभा दे विच करखतपुणा है, सतगुरु दे प्यार वाले छुटना सी, असीं ते अजे भी बचे होए हां, गुरु ने सानू चाबी फड़ा दित्ती, सानू चाबी दे दित्ती वी लै आ जिहड़ियां जंजीरां ने इन्हां नूं जिहड़ा जिंदरा बचा इस चाबी नाल खोलणा है, असीं किन्ने नादान आ, चाबी जेब च पाई है जंजीरां दा आनंद लैणा है, चाबी साडे कोल है असी फिर भी जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई, चाबी गुरु दे कोल, गुरु ने सानू चाबी दे दित्ती, भलिया सिखा आ सुखमनी साहब तेरी चाबी है, इहदे नाल तेरे सब बंधन खुल जाणगे, असी चाबी जेब च पाई होई है, दुनिया नूं आख दिओ लोको सानू गुलाम ना समझियो साडे कोल चाबी है, ते लोग आउंदे ते हस के तुर जांदे भी तेरी चाबी नूं की करिए, पैरां नूं तां अजे भी बेड़ियां ते उहो ही जिंदरा है, यह खोलेगा तो आजाद होएगा ना, चाबी कोल रखिया तां गल नहीं बननी, चाबी कोल आसा की वार दी चाबी कोल बंधन फिर भी है छुटे नहीं, अस प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, छुटना तां सी उस चाबी नूं वरत लैंदे पर वह चाबी वरती नहीं गई, असी समझ लिया वेखो सानू भरमाया किवें गया, बाणी विचों असी पंक्ति पढ़ ली, संतन हथ राखी कुंजी, हुणे मैं एक पंक्ति पढ़ी सी, जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई, कुंजी तो गुरु कोल है, हुण संतन हथ राखी कुंजी, कुंजी किहदे कोल है, असी सोचा भी रब ने दो चाबियां तो बनाईया ही होणगियां, एक गुरु नूं दित्ती है, एक साडे बाबे नूं दित्ती है, संत नूं दित्ती है, इस करके असी सोचा भी गुरु वाली चाबी ना ही वरतीए, इहनूं सेफ रख लैंदे आ, बाबे वाली चाबी वरती जांदे आ सारी जिंदगी, असी बाबे वालियां चाबियां वरत रहे, बाबे वालियां चाबियां वरत रहे, माफ करियो उन्हां कोल पता किहड़ियां चाबियां ने जिहड़ियां लोटुआं कोल हुंदियां ने रात दे हनेरियां च लोकां दे जिंदरे खोलण वास्ते, चाबियां हैगियां ने उन्हां कोल कोई शक नहीं, पर उन्हां कोल किहड़ियां ने जिहड़ियां रात दे नकली चाबियां बना के वड्डा सारा गुस्सा हुंदा लोकां दे सेफ खोलण वास्ते चोरी करन वास्ते, उह चाबियां उन्हां कोल, इस करके उह गुरु ग्रंथ साहिब दे सेफ दे विचों बड़े आराम दे नाल गुरमत दे मोती चोरी करदे ने, गुरमत का पदार्थ चोरी करते हैं, नकली खोए वाग सानू वंड वंड के बीमार करते हैं, ये उन्होंने यत सुखनी साहब वह भी पढ़ते हैं, शक कोई नहीं, जब जी साहब उत्थे भी होंगे शक कोई नहीं, पर जिथे गुरु ने विचार की गल समझाई हुई उत्थे मूँह बन लेना, भलिया ने मूँह बन लेना नहीं, ये पाठ मूँह बन के ही करीदा, तो जिथे संत की गल हुई उत्थे स्पीकर अगे रख देना भी सुना दो, इन्हों पता लग जाए कि तुहाडा गुरु आखदा सी संतां दे
चरण धो के पीवियो ते मेरिया भैन मातावान पी रही ने। वह पंक्ति सुना दी बाकी ने मूह बन लिया, बाकी ने मूह बन लिया भी नहीं ये पाठ मूह बन के करीद। सतगुरु के प्यार वाले क्योंकि थोड़े कान च आवाज नहीं सी पाना चाहता। गुरु नानक ने तो मूह बन के भाई मरदाने ते कंडीशन लाई सज्जन को जाते ने। मैं ये तो पढ़े जन्म साखियां चू आख्या मरदानिया रबाब वजा करते दी सिफत करिए। ये नहीं आख्या मरदानिया मूह ते परना भी बन लिया अपना शब्द गाने। इतने लिखे इतने लिखे अच असि अपन अपन खोजा करते रहे घाटत घटन लग पाए। हर बंदा अपनी घाटत घट रहा बाणी एवं समझ रखे असी जिस ढंग के नाल पुराने समय के अंदर तंत्र शास्त्रीय मंत्र पढ़ते सन असी समझे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी भी एवं कैसा कैसा भरम जाल। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़न के उत्ते सख्त पहरे ने। गुरु ग्रंथ साहब न चौरी करना है तो बंदा इन्ना डुबके च इन्ना डर दे विच है कहिंदा महाराज मैं तुहाडे सामने डालर तो भेटा कर दियो पर मैं चौर नहीं फड़ सकता क्योंकि डराया ही सानू इन्हें भी चौर फड़ लिया तो पाप लगना ताबिया बह गए तो गुनाह लगना। तुसीं बाणी की पोथी खोल ली जे बाणी पढ़ी गलत पढ़ी गई तो तुसीं नरकां दे अधिकारी हो। पुछिया महापुरखो तुसीं जमदे ही सही पढ़न लग पए सानू तो डराया। सोचना सर बड़े पैरे ने तुसीं की सोचते हो। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जो लोहे के पिंजरे में बंद किए गए सन कैद केवल लोहे के पिंजरिया की होंगी है नहीं आ जड़िया मर्यादावान सोनिया बना के साडे सामने धरिया इस कैद में अब गुरमत को बंद करने की कोशिश हो रही है कि कोई गुरु तक ना पहुँच सके। गुरु को असी किसी तक नहीं पहुँचन देना। जिहड़ा गुरु सारियां लई सांझी गल करदा है आओ सिख सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची बाणी। कितने उन्हें भाई लालो नूं आख्या गुरु नानक महाराज ने लालो केसी इनान करिया जे मेरे को शब्द सुनना है। उन्हें आख्या उन्हें ही महाराज मैं तो किले करन वाला बंदा कीर्ति आदमी हाँ सांझे खूह तो पानी लिया मेरा तो उत्थे भी टाइम बजे है मैं किन्ने बजे पानी लैन जाना शूदर जो होया लोग मैं नीच जो आखते हैं बाबा ये फॉरमैलिटी मैं इतों पूरी नहीं हो ना। गुरु नानक ने आख्या ना लालो में इस फॉरमैलिटी पैना पे बाबे ने शब्द सुनाया लालो की आत्मा तृप्त है बस होर की चाहिए। तुसी भुखियां दे सामने फॉरमैलिटियां पा रहे हो भुखियां नूं कंडीशनां दस रहे हो शर्तां बयान कर रहे हो। भुखा उन्ने चिर नूं मर जाएगा जिन्ने चिर नूं तुहाडियां शर्तां पूरियां होणियां ने। अज असी भुखे हाँ किसी चीज तो अतृप्त हाँ साड़ी सानू तृप्ति की लोड़ है सानू वखाड़ा पाया जा रहा है आ मर्यादा पूरी कर आ केसी इनान करी फिर गुरु गुरद्वारे आई तू पजामा लाई फिर गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया बैठी की मतलब है जी इन्हां गल्लां दा कोई अर्थ है। किसी पंथक मर्यादा जी का जिक्र हो किसी पुरातन इतिहास में यदा जिक्र हो साडे बजुर्ग तो जंगलों गुरु ग्रंथ साहब के सरूप लैके अज भगत पूरन सिंह होना का अज के दिन चलाना हो किन्नी अजीम शख्सियत सन गुरमत के इतिहास में। उन्होंने जो सफर शुरू किया डेरा साहब गुरद्वारा लाहौर के धन गुरु अर्जन साहब महाराज की शहादत की याद में बनया होया उत्थे नमस्कार कर जाते सन। ये मैं दसना सनातनी परिवार नाल फैमिली नाल संबंध रखते भगत पूरन सिंह ते पता है उन्होंने अपनी जीवनी में जिक्र किया कहन लगे दो चीजा मैं कदे नहीं भूलणगिया जिन्हों का मैं सदा करजाई माताओ ध्यान सुनना। भगत पूरन सिंह जिन्होंने भगत की फटी आद नहीं पाई और भगती कमा के दसी अज कोई कमा के विखाए पिंगलिया का गंद धोना कोई सौखा काम नहीं लोग अपन तो मूह मोड़ जाते आपा अपने मोढ़िया से चुकी छड़ना यह सौखा नहीं। अज तो असं बच्चे भी दूसरे फड़ा देने मेरा बच्चा चुक लै इन संभाल ले जिन्ना संभाल सकते माफ करो साड़ी लोड़ ना ना हो बजुर्गों घर च ना रखिए लोड़ ना हो क्योंकि असं बच्चे संभालने ऐसी दशा है साड़ी जो बच्चे पढ़ जाते हैं उदो बजुर्ग को आखो हूँ तुम पंजाब की टिकट करा दीए जी चले जाओ तुहाडा भाईचारा उत्थे डीकद हूँ तुम पंजाब चले जाओ बच्चे पढ़ गए ने हूँ स्कूल जाते हैं यूनीवर्सिटी जाते हैं तुहाडी की लोड़ है मैं तुहानू संभालण ते हूँ सानू लियांदा तां तुहानू फायदे लई है कि साढ़े बच्चे संभालो बच्चे पढ़ गए ने हुण तुहानू संभालना पैंदा तुसीं जादे बजुर्ग जाओ पंजाब जो तुहाडे मरिया का फोन आ जाएगा असीं टिकट करा के आ जावांगे खंड पाठ कराउण वास्ते वापरदा है सर। तुहानू गुआंढियां की खबर ना होए गुरु प्यार वाले सानू लोग अपना दुखड़ा इस करके सुना देंदे ने भी खौरे इन्हां कोल इलाज है असीं आखदे ने इलाज तां गुरु ग्रंथ साहिब कोल है
इलाज तो धन गुरु ग्रंथ साहब की सिक्खी वेच है, पर की करिए असी तो सिक्खी डब्बे च बंद करके नहीं दे सकते, साड़ी मजबूरी है। ऐसे दुखी लोग फिर डेरिया के राह पै जाते हैं, बाबियों को चले जाते हैं। अज अपना बुजुर्ग संभालना, अपने बच्चे संभालना, अपना आप संभालना साढ़े लिए औखा है, पर उस गुरु के सिख वाल वे उन्हें पिघलियां अपाहजां नूं अपने मोढ़िया ते चुके रेहड़ी ते पा के अपने मोढ़िया नाल वजन बन बन के उन्होंने धोया खिचे। वो बुजुर्ग जिहड़ा लोगों के दुख में दुख मनाउण वाला है, ये असल च सेवा है, असल च सिखी है। असीं डेरे पक्के कर दिते, लोग रुल गए, गुरुद्वारियां ते सोना चढ़ा दिता है, असीं ते सिखी दा कहाण होया फिरदा है, किसी नूं कोई संभालण वाला नहीं, जिहड़ा जिधर मर्जी मूंह करी बैठा है। अज असीं पंथ नूं जे लीरो लीर कीता है ना, वह बाबे नानक दे सिधांत नूं पिठ दे के वंड छकण वाली। असीं सोचिया वंड कल्ला इहो ही छकिया जांदा है, तुसीं रज्जियां नूं रोको जबरदस्ती रोटी खवाओ, यह वंड छकण। असीं सोचदे हां पता वंड छकना की है, कोई बाबा आए उन माया दे गप्पे दो, बाबा जी ने लंगर हाल बनाउणा है। बाबे नूं कदे भी पुछ लियो कि भलिया लंगर हाल तां तू चार कंट्रियां चों पैसे कट्ठे करके बना लिया, तू अमेरिका भी इहो झूठ बोल के आया मैं लंगर हाल बनाउणा, कनेडा भी इहो बोल रहा, इटली जाना है उत्थे भी। एक बाबे ने तीन चार देशों का टूर लाया, जिन्हां ने दित्ते होणगे पैसे उन्हां नूं समझ आ जाणी है कि किहदे लई गल कर रहा मैं। चार देशों का टूर ला रहे हो, वह चौं देशों के संगत को गुरुद्वार कहते भी मैं लंगर हाल बना, तो लंगर हाल तो बन तो वह पैसे एक कंट्री के सिखा नहीं देते दे। बाकी फ्रॉड हो रहा इवें धर्म के नाम पर, तो पूछ लेना कदे बाबा जी जो लंगर हाल बनया किन्ने गरीब सिख वो प्रशादा छकते हैं, किन्ने गरीब सिख वो रोटी खाते हैं, किन्ने नाथा वो पाल रहे, कदे जाके वेखना। ढाई चेले रखे ने, निके निके न्याणे रखे ने, असी जी विद्यालय खोलिया नहीं, माफ करो वो तो अपने मगर लगन वाली भेड़ा पैदा कर रहे उत्थे। अज जे आ जड़े चेले बुढ़े हो गए ना कल मरना है, तो आ जड़े बच्चे ने कल जवान हो गए, हटे कट्टे नौजवान मेरे नाल चाहिए ने, वो तो अपने सुरक्षा गार्ड पैदा कर रहे हो, कुछ नहीं पैदा कर रहे हो। सानू भरम है, सानू ये वहम है, बड़ी कौम की चढ़ती कितने कौम की, तुसी पांच प्यारे लभने हो ना गुरु ग्रंथ साहब का सरूप लियाउण वास्ते, तुहानू वो नहीं लभदे। लोग किसी नूं आप भाई साहब चौर फड़ लो गुरु ग्रंथ साहब का, लोग पसीना छुट जांदा, नहीं मैं नहीं फड़ सकदा, मैं चंगा बंदा नहीं, चंगा बंदा नहीं। भी जे चंगे हो के गुरु ग्रंथ साहब कोल आउणा है कि गुरु ग्रंथ साहब कोल आके चंगे बनना है, जरा सोचिए। गुरु ग्रंथ साहब कोल इस पानी कोल प्यासा जांदा है, क्योंकि प्यासे नूं पता है भी इत्थे मेरी प्यास बुझणी है। असीं भरम की पाया, धर्म पहरावे वाले पता की भरम पाया कि साडा स्टेटस बनया रहा, इस करके असं आ गया जो चंगा है वह गुरु ग्रंथ साहब का चौर फड़े, जोड़ा सुचा है वह गुरु ग्रंथ साहब की ता पै भी भलिया मानसा इतने आके तो चंगे बन, उ तू कंडीशन लाई है भी चंगा बन गया, तो जो मैं चंगा ही बन लिया तो फिर इतने तेरे को आने की लड़ है। जरा सोचो डॉक्टर आके भी मेरे को तंदुरुस्त आते, तंदुरुस्त ने डॉक्टर को जाके की लैना, डॉक्टर नाल संबंध तो बीमारां दा ही होना चाहिए ना ज्यादा। इस करके सब तो वध वो किहदी देखभाल करता है जिन्हों ज्यादा बीमारी होंगी, दूसरे को कह दिंदा भरावा तू 10 मिनट वेट कर, यह बंदा ज्यादा सीरीयस है, मैं इहनू वेख लवां, ते जे वह बीमारां तो नफरत करे तां उह किसे दा इलाज कर सकदा नहीं कर सकदा। माफ करो सतगुरु के प्यार वाले, सानू रोकिया टोकिया बड़िया कंडीशन शरत, असी सत वचन कह के पता नहीं की मजबूरी च कबूल कर लिया कि यह ठीक है जी, जो तुसी आ तुहाडी तां मर्यादा बड़ी है। एक जगह ते असी अखंड पाठ साहब सी किसी के गृह विखे कॉलेज तो विद्यार्थी गए सन, उन्हां दा मगरों फोन आया, कहण लगे जी इत्थे तां रौला पै गया। मैं क्या भी हद हो गई, गुरु ग्रंथ साहब गए ने तो रौला कहदा पै गया, तुसी बाणी पढ़नी है उन्हें बाणी सुननी, रौला कहदा है वह विद्यार्थी दस रहा, कहण लगा जी रौला इत्थे पै गया, कहिंदे तुहाडी तां मर्यादा ही कोई नहीं, सानू मगर जाना पिया। असी जाके पुछिया घर वालियां नूं, उन्हां दी माता एक गल ते अड़ी जावे, कहण लगी जी वेखो इन्हां तां मर्यादा ही, मैं कहा जी बड़े साफ सुथरे वस्त्र इन्हां ने पाए ने, इशनान करके आए ने, वेखो कोई कमी इन्हां, कहण लगी जी बाकी सब ठीक है, पर बिना मर्यादा तो मैं पाठ नहीं करवाउणा। असी बड़े हैरान कि मर्यादा चाहिए है माई नूं, वो सारा साफ सुथरा जिवें दा रहत मर्यादा च लिखे जिक्र है कि बाणी पढ़नगे तुसी बाणी सुन लो,
गल तो बड़ी साफ जी, खीर यह निपड़ी जी, इन्होंने जोत नहीं जगाई, इन्होंने घड़ा नहीं रखिया, इन्हें नारियल नहीं रखिया। माता सुन ली राज, मैं क्या असी पाठी भी लै जाने, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप भी असी गुरुद्वारा साहब महाराज की सवारी पचा आने, तू घड़ा रख लै, कुंभ रख लै, जोत रख लै, 48 घंटे के लागे बैठी रह, जे कोई प्राप्ति हो गई तो सानू भी दस दे, इन्नी मेहनत सानू करन दी की लोड़ है। फिर जे तेरा कल्ला जोत नाल 3 किलो घ्यो फूक के सरदा होया ना माई, तो सानू भी यह प्राप्ति दस दे, तां बड़ा सस्ता सौदा है, असी 40-50 जोतां जगा छड्या करांगे, सानू की फर्क पैंदा। जे घड़े नाल प्राप्ति हो गई ना माई, तो यह नारियल नाल प्राप्ति हो गई, तो दस दई गुरु ग्रंथ साहब इंपोर्टेंट नहीं रहा जी, घड़ा इंपोर्टेंट हो गया, मर्यादा इंपोर्टेंट हो गई, महत्वपूर्ण हो गई, गुरु ग्रंथ साहब की गल कोई कदे किसी ने शिकायत की है पाठ शुद्ध नहीं हो रहा, किन्ने असी शिकायत करते हैं, कदे किसी ने शिकायत की है कि यह पाठ सुना रही सी असी सुन वास्ते बैठे स, नहीं, लोग शिकायत करते हैं जी जोत जगाई नहीं, घड़ा रखिया नहीं, पानी नाल भरिया नहीं, वो देते नारियल नहीं रखिया, भी तुसी नारियल दे सिख हो कि गुरु ग्रंथ साहब दे सिख हो, तुहानू घड़े का ज्यादा हेज है कि बाणी सुनना तुहाडा फर्ज है। असी इन्हां चक्करां दे विच ऐसे उलझे हाँ, ऐसे उलझे हाँ कि बस वह गिणती मिणती के काम साडे लई सब तो जरूरी हो गया, बाणी का ख्याल, बाणी की विचार जिहड़ी उह साडे हिरदे दे विच हौली 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 मनफी हो गई। अज असी बहुते इसे करके बाबिआं ते खुश हो, औखी जी मर्यादा दस देंदे ने, सानू 48 घंटे भजाई छड़दे ने, आप मूँह भर के पाठ कर लेंदे ने, बाद च अरदास कर देंदे जी इन्हां नूं फल बख्शो, इन्हां नूं फल दे दो। गुरु भी जानता है कि 48 घंटे जिन्हां दे मैं घर आया हूं तो एक भी बंदा मेरे कोल नहीं बैठा, तू मैनू लेके आया, तेरे नाल मैं गल्लां करता रहा, जिन्ना क तू साह दिता मैं तेनू सुनाई गया समझाई गया, वह भलिया मानसा जिन्हां की फरमायश करदा जिन्हां दे मैं घर आया, इत्थे तां आम बंदा भी गुस्सा किसी के घर जाइए तो उन्होंने कोई बुलावे ना, बुलावे ना, उन्होंने एक बार रोटी रख दो तो कोल ना बैठो, अगला सोचता भी इन्हां घर मैं रोटी खाना है, ये रोटी मैनू घर नहीं सी जुड़ती, ये पानी मैं घर नहीं सा पी सकता, ये चाह मैं अपने घर नहीं सा बना के पी सकता, कमाल की गल है, मैनू की समझते ने मैं भुखा, मैं आया इन्हों के प्यार करके, इन्होंने मैनू आख्या भी आयो तो मैं आ गया। हुण गुरु ग्रंथ साहब नाल असीं इवें करते हैं, सद लिया गुरु ग्रंथ साहब बड़े सत्कार नाल लै गए, फिर जिहड़े लै के आए उन्हां दे हवाले कर दिता भी महाराज तुसीं जो भी कहना इन्हां नूं कहना, तो इन्होंने जो सांझ पाउणी तुहाडे नाल सानू विचों कढ दिओ, असीं भोग की अरदास से आ जावांगे, जो समाप्ति की अरदास होई उदो असी आ जावांगे। 48 घंटे साढ़े वाल ध्यान नहीं करना भी मैं किन्ना दे घर आया, इन्हों सुनाओ जेडे लैके आए, जेडे लैके आए ने तुहानू इन्हों सुनाओ जो सुना, इन्हों दसो जो दसना, साड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं, असी कड़ाह प्रसाद की रसद दे देंगे, असी पैसे दे देंगे, असी सोहना रुमाला दे देंगे, पर यह मलाल मन च ना रखियो भी जी दे घर आए हो मेरे कोल नहीं बैठा, साडे कोल इन्ना समा नहीं, क्योंकि असी भूआ की आओ भगत भी करनी है, असी फुफड़ नूं भी संभालना है, मासी मासड़ ने भी आना है, सहुरिया ने भी आना है, दादकिया नानकिया ने भी आना, उन्होंने कौन संभाले, महाराज तुसीं इहने हुण महत्वपूर्ण नहीं रहे, महत्वपूर्ण नहीं रहे, यह अवस्था है सर, यह रिलेशन, यह संबंध है गुरबाणी दे। गुरदेव जी आखदे क्यों ऐसा वापरदा है, ऐसा क्यों हो रहा है मनुख के जीवन अंदर, क्योंकि माधो अविद्या हितकीन, अविद्या अग्ञानता दे नाल। भगत पूर्ण सिंह कहिंदे मैं दो चीज़ां दा कदे जिक्र नहीं अपने जीवन चो विसार सकदा, वह कहिंदे पहली है मेरी मां, मां ने घर च दुध रिड़कना, चाह बनाउणी, तां सवेर वेले वह अनपढ़ जरूर सी पर उन्हें गुरद्वारे तो सुन के टुकां बाणी दियां मूल मंत्र का पाठ याद किया है, रोज़ पढ़ती मैनू बड़ी चंगी लगी, जिदे सुभा च गुरु की बाणी होएगी ना उस मां का फर्क तुम गुआढ़िया की औरत नालों निश्चय ही वेख सकते हैं। वो मां मैनू उठाउंदी बड़े प्यार नाल, मैनू गोद में बिठाउंदी, मैं निक्का जिहा सां, वो कुछ गुण गुणाउंदी मैनू बड़ा चंगा लगता, वो चेहरे के उत्ते खिड़ा, बड़िया फॉरमैलिटियां तो मुकत उन्हें गुरद्वारे जाना तो मैनू गले ला के लै जाना। अज असी मावं बच्चों नूं कहिंदी आ पुत गुरद्वारे खेड आई, कि होर कोई ग्राउंड नहीं उहदे खेडण लई, गुरुद्वारे का हाल उहदी ग्राउंड है, उत्थे उह खेडेगा, उत्थे उह खेडेगा। असी इह अवस्था पैदा कीती है गुरुद्वारे नूं, असी ग्राउंड बनाया गुरुद्वारे नूं, ग्राउंड बनाया, सोचदा है कि अजीब ने मेरे मां प्यो,
भी आ जिन्हें लोग बैठे रहे सोच रहे भी जिम्मे मैं इंजॉय करना आया जिम्मे मैं इंटरटेनमेंट करना यह भी उ करना आए होने क्योंकि मेरी माँ ने दसिया भी उत्थे खेड लें वो सोचता है वो मन च सवाल पैदा होता है शायद वह पुछदा ना हो सोचता है भी ग्राउंडा तो बहर भी बनी है इन्हों ग्राउंड छत्तण की लोड़ सी ग्राउंड तो बहर भी है इन्हों ग्राउंड इन छत्तण की इस तरह बहन की की लोड़ सी जदों के भी इंजॉय कर आए ने मैं भी इंजॉय करना आया मां ने आख्या सी खेड के आई सोचो सर पर वो मां उंगल ला के लै जाती बच्चे ने उन्होंने मत्था टेकण की जात सिखाउंदी मत्था टेकण की जात सिखाउंदी उन्होंने दस दी गुरु ग्रंथ साहिब अपने गुरु ने खैर वो कहिंदे मां ने मेरे अंदर संस्कार भर दिते संस्कार भर दिते मेरे सुभा ढाल दिता उन्हें बस वो दिन सी कह लगे दूसरी गुरबाणी दूसरा शब्द उन्होंने जो वरत्या कह लगे गुरबाणी जिदा मैं कदे देण नहीं दे सकता अपनी जिंदगी दे अंदर मैं जो भी आप कोई मैनू आखद भगत जी की करते हो तो मेरा ध्यान चला जाता है ये कौन निगुणा भगत है इनू तो मां ना करती गुरबाणी ना करती वेखो एक मां है जिन्हें शरीरक तौर पर जन्म दिता है दूजी गुरबाणी मां है जिन्हें सुरत करके जन्म दिता है आ जन्म तो हो गए अगले जन्म का सोचिए असी अक्सर चिंता करते ना अगले जन्म च साडा की होए गुरु तो आखद आ तेन अगला जन्म देव गुरबाणी मां की कुख चो सिख ने जन्म लेना है पखंडी ने जन्म नहीं लेना कर्मकांडी ने जन्म नहीं लेना बल फैलियां करने वाले ने जन्म नहीं लेना और मैं माफ करना दुनिया की मां की कुख कोई अपाहज बच्चा पैदा कर सकती है गुरबाणी मां की कुख कोई अपाहज सिख पैदा नहीं करती अपाहज सिख पैदा नहीं करती कि कुरबानी तो भजन वाला वो त्याग तो डरन वाला वो कसैड़े सुभा का वह चोर होवे वह डकैत होवे ऐसा अपाहज जीवन वाला सुरत वाला बच्चा गुरबाणी मां पैदा नहीं करती ये गुरबाणी का अज तक का इतिहास कहिंदा तुसीं भाई मनी सिंह नूं पढ़ो बाबा दीप सिंह नूं पढ़ो ये उन्हां गुरसिख उन्हां बच्चियां दी गल है जिन्हां ने गुरबाणी मां दी कुख तों जन्म लिया दसो कित्थे गलती है उन्हां दे जीवन अंदर कित्थे घाट है उन्हां दी जिंदगी दे अंदर कैसा पूर्ण जीवन है असीं जदों घर दे विच कई लोग इतराज़ करदे भाई साहब जी हुक्मनामा चंगा हुक्मनामा लिओ खुशी वाला ते मेरे मन च कई बार सवाल आउंदा है उन्होंने सज्जणा ने शायद अरदास दे बोल ध्यान सुने नहीं होने शायद उदों जाके हो जो उन्हों का नाम आना हो अखीर के उत्ते भी गुरु साहब इन्हां तुहाडे गुरसिखा ने आह काम किया जी वो अरदास दे बोल पढ़ लैन तो उन्होंने समझ आ जाए तो बच्चे बची का आनंद कारज भी होता है तो अरदास दे ये बोल पढ़ के अगे तुरीद है जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दे ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आ रहा नाल इतने बच्चे के जन्म की अरदास करवानी है तो इन्हें तो बिना नहीं होनी ये जिंदगी का निचोड़ है साढ़े इतिहास का क्यों जिक्र होता है उन्होंने बच्चे का विआह तरिया उन्होंने जिक्र करते हो जिन्हें बंद बंद कटे गए खोपड़ियां लह गई चरखड़ियां से चढ़ गए इवें शहीद हो गए क्यों जिक्र करिए असी तो विआह की गल करें कोई मारकाट की गल कोई मरण धर्म की गल करिए क्यों पर नहीं इतने दसिया जाता है यार जिन्हों का संगत जी अरदास दे विच तुसी जिक्र कर रहे हो ना ये बड़े सियाने बड़े लायक गुरबाणी मां दे पुत ने इन्हां नूं जन्म दिता है गुरमत ने इन्हां नूं जन्म दिता है बाबा फतेह सिंह की उम्र जरूर 7 साल की है शरीरक तौर उत्ते पर ख्याल करो शरीर छोटा है सुरत छोटी थोड़ी है सुरत नूं इवें पालिया गुरबाणी ने सुरत नूं इवें पालिया सतगुरु के विचारां ने कि वो पक्के होए विचार नीहां ते भारू पै गए उस जुल्म ते सितम ते भारू पै गए सबर जित गया गुरमत की कुख तो जन्म लैण वाला बाबा फतेह सिंह जेतू हो गया सारे ने धौणा सुट लई ए तो वध हुण असी की कर सकते असी लालच दे सकते सदते असी डरावे दे सकते सदते असी तसीहे दे सकते साडे कोल आखरी इतिहासी मौत देना वह भी देख के वेख ली इन तो चुका ना सके साडियां ताकतां कादियां ने पावर तो वह है जिहड़ी वरतों च आ जाए साडी तो पावर भी वरतों च ना आई साडे ते दौलत भी वरतों च ना आई साडे डरावे वरतों च ना आए असी इस बंदे नूं मार तां लिया इहनूं असी जित नहीं सके हो हारे होए ने इन्नी वड्डी ताकत वाले लोग हार गए क्योंकि ईमान पक्का है भरोसा पक्का है
भगत पूरन सिंह जी कहते कहते गुरबाणी मैं नहीं भुल सकता जिदे तो मैं इन असीम दातां मिलिया ने आ नाचीज जिहा बंदा जिहदा कोई ना नहीं जिन्हों कोई सोझी नहीं इन गुरबाणी ने इन्ने के योग बनाया मैं यह समझ आ गई कि मैं अपनी जिंदगी करना की है अपने जीवन में मैं कमाना की है बस किड्डा वड्डा परिवार है भगत पूरन सिंह का किड्डा वड्डा कोई छोटा परिवार है बस किड्डा वड्डा परिवार तो साडियां कमियां वेखो मदर ट्रेसा की बैग से खलोण वाले ईसाई जगत ने उन्हों दुनिया के हर मीडिया च लिया है कि वो साड़ी महान औरत ऐसा काम कर रही उसकी बैग से किन्नियां ईसाई संस्थावां खड़िया ने किन्ने चर्च खड़े ने किड्डी वड्डी उहदे मगर लाबी खड़ी है इस गुरसिख के मगर कौन खड़ा है जी कोई नहीं खड़ा ये सड़कों पर तुरिया फिरदा गंदगी भी चुक दिंदा है यो गुरसिख है जिहड़े नज़र च कोई अपाहज आ जाए आप यह जान के वह मंग नहीं रहा भीख नहीं लै रहा वह किसी गुरसिख की दुकान पर जाता गुरसिखा तू गुरु नानक का सिख है तेनू गुरु ने सिद्धांत दिता है वंड के छकन आ मेरा डब्बा है ये एक रुपया भी पा देने तो तेरी सेवा ही किरत कर दे प्रवान है तेरी सेवा किरत कर दे प्रवान ऐसे ऐसे गुरसिख साढ़े को कदे असी ना नहीं लिया आ टुटे जे साधन दियां बरसियां असीं वेखो जलेब कढ़ कढ़ के आप भी मरन वाले खा खा के वादा समी करवाउंदे आ लोकां नूं भी वंडी जांदे कदे ऐसे बंदे दा असीं बच्चियां नूं दस्सिया मैं किसे लाइब्रेरी चों दी तस्वीर नहीं वेखी तुहाडे कोल एक ऐसा आदमी है जिहड़ा मदर ट्रेसा तों मैं किसे दी तुलना नहीं कर रहा उहने अपनी जगह ते बड़ा नेक अमल कीते ने पर बिना कोई दौलत के खजाने के बिना कोई मगर संस्थावां होने एक आदमी ने एड्डी वड्डी संस्था को जन्म दिता कि निक सिख साडे चों जाणदे ने जी तुसीं बाबिआं दे नाम पुछ लो तुहानूं इलाके वार ऐ सुना देणगे लोग कमी है साडे च असीं खलनायकां नूं प्रचार रहे हां नायक नूं नहीं प्रचार रहे जिन्हें गुरु नानक के सिद्धांत नूं जी के विखाया अपनी जिंदगी के अंदर अपनी लाइफ के अंदर और दस्सिया सानूं क्योंकि उन्हें यह नहीं ना कहा कि मैं फलाने बाबे कोलों धागे लए सन मैं उन्हें चंगा बढ़ जो उन्हें एक भी यह लफज लिखे होंगे ना वेखना तुसी बाबे किवें उन्हें प्रमोट करते पर उन्हें यह लिखे कि मेरी सियाणी गुरमत की धारनी मां ने तो गुरबाणी ने मैं ये सेध ते इस योग बनाया इस करके उन्हें प्रचार का कोई नहीं जिहड़ा भी गुरबाणी तक सीमित रह के गल करता है उहदी गल नहीं करता कोई उहनूं अगे लैके कोई नहीं जाता और वेखो खामी साडी असी साधां दीआं जुत्तियां चोले पूजे उन्हां दीआं दस्तारा रख रख के पूज रहे अज तक ऐसा सी कर शीशियां च लगियां सी पूज रहे क्यों पूज रहे की कमी की है साडे गुरु दे सिधांत विच कि जो सानू गुरबाणी कोलों नहीं मिलिया वह ऐसा की है जिहड़ा सानू चोले नूं मत्था टेक के मिलना है किसे बाबे दे पैर धो के सानू मिलना है ऐसा की है जिहड़ा गुरबाणी चों घाट रह गई नहीं सतगुरु दे प्यार वालिओ गुरदेव जी की पावन बाणी के नाल अपनी बिरती नूं जोड़िए दातार जी कहिंदे माधो अविद्या हित कीन असी अनजाण लोगों ने अग्ञानता नाल मोह पा लिया प्यार पा लिया ते मत ते तू सारे इंसानां नूं एक वड्डी क्वालिटी की दित्ती है वड्डी क्वालिटी दित्ती है पछाण करन दी विवेक दीप मलीन विवेक कहिंदे पछाण साडे अंदर जिहड़ा एक दीवा तू जगा के रखिया इहदा मालका पर पछाण करन दा सोच नूं विकास विच वल लै जाण दा उह दीवा हौली 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 मध्यम हुंदा जांदा है कदे तुसां लालटेन जगदी वेखी होवे उह जगदी है उहदी रोशनी दूर तक जांदी है शीशा लगा हुंदा ना उत्थे हौली हौली उहदी रोशनी फिर घटनी शुरू हो जांदी ते सियाणे नूं पता लग जांदा है कि इहदी रोशनी क्यों घटी क्योंकि इहदे शीशे दे अंदर कालक जम गई उह फिर शीशा लाउंदा है साफ करता है फिर उत्ते चढ़ा दिंदा है उहदी रोशनी फिर दूर तक चली जाती है साढ़े मन में लगी हुई है कालक जिस करके सानू अपने अंदर की रोशनी का एहसास नहीं विवेक का दीवा असी मध्यम करते जा रहे ज्यों ज्यों अग्ञानता वाल रुख वध रहा है विवेक दीवे वाल पिठ हो रही है दीवा तो अगे रखे ही राह दिंदा है असी टार्च पढ़ीए मैं अगे भी उदाहरण दी कोई टार्च मोढ़े ते रख लै ते टार्च का मूँह पछाह नूं कर लै ते तुरे अगे वालों उहदे ठेडे खाण दे चांस ज्यादा होंगे ते टार्च तो अगे वालों करी दी है चानण दी अगे लोड़ है भी मैं पैर कित्थे रखना है जिन्हां ने विवेक दे दीवे वल पिठ कर ली है ते तुर रहे ने उह डिगदे ने ते गुस्सा कढ़दे ने भी इह दीवा चानण नहीं दिंदा
वो सोचते ने गुरसाखी काऊ जी आरा ता मिटिया सगल दियारा, गुरसाखी अंतर जागी ता चंचल मत त्यागी। वह सूरज वाल पिठ करके तुरते हैं तो यह आखते हैं वेखो जी ये तो चानन नहीं देता, यह तो बोलता नहीं। गुरु ग्रंथ साहब आखते ने बोलता नहीं, बोलता तो काम ही बड़ा है, फिर उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी मान लो। जे बोलना ही एको एक पछाण है तो बोलता तो काम ही बड़ा बनेरे पर, उन्होंने कहड़ा किसी ने सदया कि साढ़े कथा करके जाए, वह भी तो बोल ही रहा है। बोलना गुरु की पछाण नहीं, गुरु की पछाण है भी तुम्हें सेध की देता है, सेध की देता है, पछाण तो यह। सतगुरु के प्यार वाले गुरदेव ने इन्हों भरमों तो सानू उचिया किया, उन्होंने बहाने चाहिए सानू उलझा लेंगे तुहाडा गुरु बोलता नहीं, तुहाडे गुरु ने आ गल आखी, इन प्रैक्टिकल असी करके दस सकते हैं, प्रैक्टिकल असी समझा सकते हैं, साढ़े को आओ असी बाणी नालों तोड़ते नहीं, बाणी की एवें तो प्रैक्टिकल करके बड़े ऐसे भरम जान साढ़े आले दुआले पाए ने। आ जी संगत है ना, ये खोज है बाणी में पढ़ना, बाणी में विचारना, यही गुरमत का तप है। तुम एक डेढ़ दो ढाई घंटे बैठ के गुरु की पावन बाणी में पढ़ते हो, विचारते हो, जो समा थोड़े को मिलता है, यह तो तप है। तुम्हें पुठे लटकन की लड़ नहीं, तुम्हें जंगलों से जाने की लड़ नहीं, तुम घर च बैठे भी वो खोज में जुड़े हो, यह तप। गुरमत ने बड़ा सौखा राह दिता है, गाढ़ी राह इन भाई गुरदास कहते हैं, यही तो जप है, यही तो तप है। तुम्हें होर किसी भरम च पैन की लड़ है, जो गुरबाणी तो सीख लिया इनू आप अपने जीवन में हंडा है, होर किसी भरम उलझन की जरूरत नहीं। दाता जी बख्शिश करते हैं आरंभ के बचना विच, हजूर कहें मृग मीन भृंग पतंग पुंचर, पांच चीजा का जिक्र किया। मृग मैणे हिरन, हिरनों एक चस्का है, वह एक नाद सुनता है, खास किस्म की आवाज, वो तो इन्ना लट्टू हो जाता है, जदों शिकारी ने उन्होंने फड़ना हो उन्होंने पिछे नहीं भजना पैदा, वो एक पासे खलो के वो नाद बजाउंदा, उन्हूं घंडे हेड़े दा राग कहिंदे ने, वो नाद बजाउंदा, उस नाद दा इन्ना दीवाना है हिरन कि आपे ही भज के वह शिकारी वल नूं जांदा ते उन्हूं फा लैंदा, फड़ लैंदा। गुरदेव कहिंदे मिर्ग दी मौत दा कारण की बनिया, उहदा एक चस्का, चस्का स्वाद उस चीज़ विचों आनंद लैंदा सी, गल माड़ी नहीं सी, पर उहने इह पछाण ना कीती अपने जीवन अंदर भी मैं पछाण लवां कि यह जरा नाद है कितने मेरा दुश्मन तो नहीं बजा रहा। नाद सुनना गलत नहीं, वो राग सुने, राग सुनना गलत नहीं, पर वो इन्नी परख ना कर सकिया भी जेड़ा नाद मैनू चंगा लगता है ये नाद तो मेरा दुश्मन बजा रहा है, तो यह नाद बजाउण दा मतलब मैनू आनंद देना नहीं, मैनू फसाउणा है। माफ करे, मैं उदाहरण दे रहा है, किधरे डेरिया च गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करन दा कारण सानू फसाउणा ते नहीं, ऐसा ही है, क्योंकि सानू नाद नाल प्यार, गुरु ग्रंथ साहब नाल प्यार है, उन्हां नू पता है कि ये नाद दे दीवाने हन, जे शिष्य दे कुर्सी डाह के बह गए ना साडे कोल आउणा ने, इन्हां नू ये गल चुभे कि असीं गुरु दे सिख हो के इहदे कोल, इस करके उन्होंने अगे गुरु ग्रंथ साहब रख लिया। मैं रात के दीवान में भी जिक्र किया, मगर आदम कद बंदियां दियां दो तीन चार फोटो ला दित्तियां, तुसीं वेख लो, मगर जाल ते मगर लगा, अगे नाद गुरु का ही है जिहड़ा तुहानू आनंद देण वाला है, मगर जिहड़ा जाल लगा है उहनू वेखण दी पछाण करन दी कोशिश करिए। मिर्ग नू नाद नाल प्यार है, गुरु ने आख्या गुनाह कोई नहीं, पर जे उहदे च पछाण हुंदी परख हुंदी तां उह समझ लैंदा वी इह नाद मेरा दुश्मन वजाउंदा है ते इहदे नाद वजाउण दा कारण है मैनू फसाउणा। किधरे ऐसा ना, बाणी तां राधा स्वामी वी पढ़ रहे ने, बाणी दीआं उदाहरणां ते नूर बैलिया वी दे रहा, झूठे सौदे वाला वी दे रहा, पर क्यों दे रहे हैं हुण सानू समझ आ रही, जदों साडे गलावे नूं हथ पैंदा सानू उदों ही खड़क जाती है कि नहीं, बाणी दीआं दलीलां जरूर देंदे ने, बाणी दीआं पंक्तियां जरूर पढ़दे ने, पर इह सानू फसाउण वास्ते पढ़दे ने, क्योंकि सिख नूं चौगा पाउणा, सिख नूं चौगा पाउणा। पर यह गल सानू उदों क्यों समझ आउंदी है जदों असीं बर्दी ते बुथे दित्ते जांदे आ, सानू पहलां यह गल समझ क्यों नहीं आउंदी कि साडा समां तां गुरबाणी नाल है ते गुरु ने सानू गुरद्वारा दित्ता जिथे असीं धड़ेबंदी बना लई है, इत्थे दा खलल पा के असीं डेरियां नूं तुर पए, उत्थे वी अगलियां ने साडे गल च अंगूठा ही दित्ता। अज तक तुसीं दसो किसे डेरे ने गुरु पंथ दे सिस्टम नूं मजबूत करन वास्ते कोई कार्ज कीता होवे? इन्हां सारे डेरियां च पहलां गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रकाश सन, इन्हां दा पिछोकड़ पढ़ के वेखो।
कोई डेरा ऐसा नहीं सी जिहड़ा सीधा चालू होया। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके इन्होंने अपना स्टेटस बनाया, अपने पैर मजबूत किए। जदों इन्हां नाल चार पॉलिटिशन जुड़ गए, ताकत आ गई, पैसा आ गया, इन्होंने सिखां दे गल च गुठा दिता। पर तुसी याद करदे हो, मैं तां हैरान हुंना, असी 1978 ते 13 सिंघां दी शहीदी भी मना लैंदे आ ते फिर भी डेरियां वल नूं मूंह करी बैठे आ। असी समझिया की अज तक, सोचिया की? घट्टो घट उन्हां दे डुल्ले खून दा तां चेता माड़ा मोटा करिया करिए भी क्यों उन्होंने ऐसी महान कुरबानी की है। सतगुरु महाराज अपनी बाणी विच बख्शिश करदे, मृग मीन, मीन का मतलब है मच्छी, मच्छी मच्छी नूं जबान का स्वाद है, जबान वो कुंडी लाउंदा है जिस वेले झीवर झीवर मेड़ियो जाल, जबान के स्वाद करके वह फस गए। एक दोष ऐब उहदे च, उहदी खुराक माड़ी नहीं सी, खुराक खाना माड़ी नहीं, पर उहने इह ना वेख्या भी इह कुंडी जिहड़ी है मेरा दुश्मन लाई बैठा है, इह खुराक तां मैनूं दुश्मन दे रहा है, ते दुश्मन मैनूं खुराक क्यों दिंदा है? इह उहने सोचना सी, इह सोचिया नहीं। भरिंग, भरिंग का मतलब है पतंगा, पतंग कुंचर, पतंगा ते हाथी, ये पांच चीज़ों का जिक्र भगत रविदास जी ने किया है। मृग मीन भरिंग, भरिंग का मतलब है भवरा, भवरा फुल ते आउंदा है, फुल की सुगंध ही माणदा है, गलत गल नहीं, पर वह भुल जाता है भी समा हुण उत्ते चला गया, वो भुल जाता है भी सूरज अस्त हो रहा है, ये फुल पंखड़ियां समेटेगा, मेरा दम घुटना तो मैं मर जाना है। वो अपने अंत नूं ना पछाण सकिया, समझ सकिया। ते पतंग भंबट उत्ते, भंबट जिहड़ा है वह आके लाट के उत्ते बैठता है, उहनूं उहदा स्वाद है, पर वह यह ना वेख सकिया भी मैं इन्ने नेड़े ना जावां कि मेरे पर सड़ जाने दे नेड़े जाने, इहनूं माणा मैं, मानण की बजाय उहनूं क्रॉस करन की कोशिश करन लग्गिया। कुंचर, कुंचर का मतलब है हाथी, हाथी काम का रोग है, इंद्री का रोग है, नकली हथनी बना के उहदे वल नूं शिकारी उहनूं धक्कदा है, टोए सुट लैंदा है, टोए च उहनूं काबू कर लैंदा। सतगुरां ने आके पंज दे, एक दोख मिला, इन्हां पंजां च एक एक ऐब है, एक एक दोख है, ते सब तो वड्डा दोख है भी इन्हां नूं पछाण नहीं आउंदी, इन्हां नूं पछाण नहीं आउंदी, नाद मेरे लिए कौन बजा रहा है, खुराक मैनूं कौन दे रहा है, बस उत्थों तक टिके ने, मगर दे हाथ नहीं वेखते भी सानू देण वाला कौन है, देण वाला उन्होंने वेख लिया भी गुड़ है, यह नहीं वेख्या भी गुड़ च जहर भी हो सकता, मिठे च जहर भी हो सकता, बस बारों बारों वेख्या उहदे ते टिक गए। कहण लगे मृग मीन भरिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जानता की कीत, ओ बंदिया तेरे तां पंजे दे पंजे मौजूद ने, तेरी की आस करिए, तू बचेगा? पछाण तां तेरे च भी है नहीं, तू भी नाद का पुजारी है, नाद सुनना तेरे लिए माड़ा नहीं सी, पर तू ये ना वेख्या भी जेड़े नाद ते मैं लट्टू हाँ वो नाद तो मेरा दुश्मन बजाउंदा है, मैनू फसाउण वास्ते, जिवें हिरनू फसाउण वास्ते, तू हाथ नहीं वेख सकिया, जेड़े हाथ तैनू खुराक दिंदे सन मच्छी वांग, तू बस अपनी खुराक वेखदा रहे, हथां वल ध्यान नहीं कीता भी देण वाला मेरा दुश्मन, मैं सुचेत हो जावां, मैं सुचेत हो जावां। गुरु ने आख्या जदों पछाण घट जाती है मनुख के जीवन विचों, उदों झूठ नूं सच समझ लैंदा है, ये इस दे जीवन का दुखदाई पक्ष है। पंच दोख साध जाम है ताकि केतका, दूसरे बचन विच कहिंदे हन त्रिगत जोन अचेत संभव, संभव का मतलब है सुभावक है, बाकी जिन्हां जूनां ने संभव है, पुन पाप असोच उन्होंने चंगे बुरे की पछाण ने, केवल कुछ फीलिंग ने कुदरत ने जिहड़ियां उन्होंने दित्तियां उन्हां तक सीमित ने। पर अगली गल बड़ी कमाल आ कि साढ़े लिए कह लगे मनुखा अवतार दुर्लभ, पर मनुख का जीवन तो दुर्लभ है, कीमती है, इनू तो रब ने इहदी सोच ने, मैं पहला एक जिक्र किया हजारा साल पहला पशु जिते खड़ा जिन्हां जिहड़ियां फीलिंग महसूस करता सी अज भी उही करदा, पर मनुख की सोच बदल गई, हजार सालों तो इन्हें जो विकास किया वो अपने आप में एक बहुत वड्डी गल है, पर पड़ाव यह अगे सोचता है, इनू कुदरत ने दात दी, इस करके महाराज ने आख्या भी पशु नालों मनुख का फर्क है, बाकी सारिया जूना तेरा पानी भर दिया ने, हे मनुख तेरे को उजली सोच है, तेनों सरदार बनाया, क्यों बनाया? सरदार को अगे की सोच होंगी है, आगू को अगे की, आगू का मतलब कि जोड़ा अगे लग गया, इंजन कदे गड्डी दे पिछे लग्या हुंदा कि अगे लग्या हुंदा? रेल दे अगे इंजन जिहड़ा उहनूं खिंचदा,
ਆਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਜੇ ਇੰਜਣ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਲਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਲਓ ਗੱਡਾ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨੁਖ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲਭ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੁਰਲਭ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੀਹੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਕਾਹਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਲੱਗ ਕਰਮ ਕਹਿ ਬਸ ਜਾਏ ਕਾਲ ਫਾਸ ਅਬੱਧ ਲੱਗੇ ਕਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਡੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਫਾਸ ਵੱਧ ਲੱਗ ਕੇ ਕਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੋਈ ਜਲ ਮੰਤਰ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲ ਲਏ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ 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 ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਰਾ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਜ ਭ੍ਰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਭਰਮ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਉਦਾਸ ਤਜ ਭ੍ਰਮ ਤਪਨ ਤਪ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਤਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਣ ਇਹ ਤਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਕਮਾਈਏ ਇਹ ਤਪ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਲੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਹ ਤਪ ਹੈ ਤਪਨ ਤਪ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਜਨ ਭੈ ਹਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਭ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਭਗਤ ਜਨ ਭੈ ਹਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕਰੋ ਨਿਦਾਨ ਓੜਕ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕੀਏ ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ